एक्सचेंज में अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया करेंसी की हालत क्या हो चुकी है। नो इंडिया INR, यहाँ की एक्सचेंजेस पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नो इंडिया नो INR, यानी कि कोई भी इंडियन करेंसी कोई एक्सचेंज यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इतनी बुरी हालत इंडियन करेंसी की हो चुकी है, और जो ट्रैवलर आएंगे नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये बैंकॉक बैंक एक्सचेंज है जहाँ पे क्लियरली ये चीज वो लोग लिख के लगाए हुए हैं कि नो INR। ये एक एक्सचेंज की बात नहीं है, यहाँ पे से बहुत एक्सचेंज हैं जो यहाँ पे, मैंने बहुत सारे ट्रैवलर्स को भी मिला है जो एक्सचेंज में क्यू में खड़े हुए थे। ये एक्सचेंज पे भी क्लोज है, तो बहुत सारे लोगों को परेशान है कि इंडियन इकोनॉमी जो इंडियन INR का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको जैसे एक्सचेंजेस करेंसी क्लियरली लिख के लगाए हैं। अभी देखिए और एक एक्सचेंज है, ये एक और एक्सचेंज है जहाँ पर आपको बताता हूँ मैं, नो INR, क्लियरली ये लोग लिख के लगा रहे हैं कि नो INR, और यहाँ के इंडियंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देख सकते हैं कि आप नो INR, सीधा काउंटर पे ये लोग लिख के लगाए हुए हैं कि यहाँ पर INR एक्सेप्टेड नहीं है। तो इतनी बुरी हालत हमारे इंडियन इकोनॉमी की और हमारे इंडियन करेंसी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि कोई भी ट्रैवलर अभी ट्रैवल करेगा तो उसको USD या फिर कोई डिफरेंट करेंसी में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो फैमिलीज टूर के लिए आते हैं, जो भी आते हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज पे सीधा बाजार का सामने ही लिख के वो लोग लगा चुके हैं, और स्क्रीन पे भी INR को वो लोग निकाल चुके हैं। तो इतनी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो INR, अगेन एक और एक्सचेंज है, नो इंडिया INR।